नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। जी हाँ, एक महान मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और सीईओ को डॉक्टर विवेक बिंद्रा, यदि आपको नहीं पता है तो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो छोटे व्यापारियों को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजनेस के गुर सिखाते हैं। उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल 2013 में स्टार्ट किया था, जिनके आज लगभग 6 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हो चुके। उन्होंने यह सफलता इतनी आसानी से नहीं पाई, इनकी इस सफलता के पीछे बहुत कड़ी मेहनत है। तो चलिए इसी कहानी के बारे में पता करें। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जन्म 5 अप्रैल 1978 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वही नॉर्मल स्कूल से प्राप्त। विवेक बिंद्रा ने अपने एक वीडियो में यह बताया है कि जब वे महज 2.5 साल के थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। अचानक पिता की मृत्यु होने के कारण विवेक बिंद्रा पूरी तरह हिल गए थे। मृत्यु के बाद विवेक की माता ने दूसरी शादी कर ली। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र महज 2.5 साल है, और वो भी बिना माँ बाप के। आप सोच सकते हैं कितना संघर्षमय था उनका बचपन। विवेक जी ने जैसे तैसे करके अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूर्ण की। विवेक जी के करीबी लोगों का कहना है कि विवेक बिंद्रा जी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे और वो आगे चलकर अच्छी पढ़ाई करना चाहते थे। आगे विवेक बिंद्रा जी ने दिल्ली से ही BBA की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद MBA तक की पढ़ाई अमिटी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस से प्राप्त। बिजनेस स्कूल से निकलने के बाद अगर वे चाहते तो किसी बड़ी कंपनी में नौकरी कर सकते, लेकिन वो कुछ अलग करना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष देखा हुआ था, इसलिए वो अपने अनुभव उन लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे जिनको इनकी जरूरत। इसलिए वो बिजनेस फील्ड में बिजनेस कोच के रूप में अपना करियर स्टार्ट करने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि वह जो भी बिजनेस करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वो ट्रेनिंग शुरू करेंगे। शुरुआत के 1-2 साल तक कोई भी क्लाइंट विवेक बिंद्रा के पास नहीं आया। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके क्लाइंट कैसे बने। विवेक गहरी सोच में अपने दिन बिता रहे थे, तभी किसी बहुत ही करीबी मित्र ने उन्हें गीता पढ़ने की सलाह दी। अपने मित्र की सलाह मानते हुए विवेक ने भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया। गीता ने उनके जीवन पर काफी प्रभाव डाला। गीता पढ़ने के बाद उनका पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने एक नई पावर का एहसास किया और वही अपने एक्सपीरियंस को दुनिया के साथ शेयर करने लगे। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा और लोगों को उनके आइडियाज पसंद आने लगे, उनके क्लाइंट बढ़ने लगे। विवेक जी के आइडियाज ऐसे डिजाइन किए जाते थे कि उन्हें अप्लाई करना आसान होता था। आपने भी देखा होगा, उनके हर वीडियो में एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना बहुत आसान होता है। तो इसी तरह उनका बिजनेस भी अच्छी तरह चल चुका। साथ में उन्होंने कुछ अपनी किताबें भी लॉन्च की, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर मौजूद। अपने इस बिजनेस के साथ साथ विवेक बिंद्रा ने सही समय पर सोशल मीडिया का प्रयोग किया। उन्होंने वर्ष 2013 में एक अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया। शुरू में वो YouTube चैनल पर वीडियोज इंग्लिश में बनाते थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वीडियोज ज्यादा नहीं चल पा रही, तो उन्होंने ये वीडियोज अपनी मातृभाषा हिंदी में डालना शुरू। उनके पास बहुत नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, उनके कंटेंट में बहुत ज्यादा दम थी, इसलिए हिंदी में वीडियो चल गई और हर भारतीय उनकी वीडियोज को पसंद करने लगा। उनकी वीडियोस को पूरे देश में देखा जाता है और सराहा जाता है। इस तरह एक YouTube चैनल बनाया, जिसे वो फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी कहते हैं, जहां पर कोई भी आकर फ्री में बिजनेस सीख सकता है और खुद को मोटिवेट रख सकता है। उनके YouTube चैनल पर करीब 60 लाख सब्सक्राइबर हैं। इसके साथ साथ विवेक बिंद्रा जी ने सेमिनार भी स्टार्ट किए हैं, जो कि पेड होते हैं। इसके अलावा विवेक बिंद्रा जी ने अपने लाइफ में 1 या 2 पर नहीं 100 से ज्यादा अवार्ड्स को प्राप्त किया है। सभी अवार्ड्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आशा करता हूँ कि यह आपको बायोग्राफी पसंद आई होगी। धन्यवाद।